बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, एट्थ ऑनलाइन लेक्चर ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एंड वी डिस्कस हेयर अबाउट स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ थर्मोडायनामिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एंट्रोपी। इससे पहले हम स्टैटिस्टिकल कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी एंड थर्मोडायनामिक कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एंट्रोपी जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम जो है वो स्टैटिस्टिकल एंड थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज ऑफ एंट्रोपी को इंटररिलेट करेंगे, उनको एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से वो रिलेट करती हैं। सबसे पहले हमारे पास जो प्रॉपर्टी थी एंट्रोपी की वो थी एग्जैक्ट डिफरेंशियल। इन थर्मोडायनामिक्स ds इज इक्वल टू dQ/dt इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। थर्मोडायनामिक्स में हमने कहा था कि जो हमारे पास एंट्रोपी है ds इज इक्वल टू dQ/dt वो एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, सो इट मस्ट बी सेटिस्फाइड ऑन थर्मोडायनामिकल बेसिस। तो इसको हम थर्मोडायनामिकल बेसिस पे सेटिस्फाई कर सकते हैं। इसी तरह से इन स्टैटिस्टिकल बेसिस में क्या थी, हमारे पास जो एंट्रोपी थी वो हमारे पास इक्वल थी लॉग ऑफ डेल्टा गैमा, सिंस डेल्टा गैमा इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। डेल्टा गैमा इज आल्सो एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल, सो जो एंट्रोपी होगी इज आल्सो एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगी हमारे पास। हमारे पास है एडिटिव प्रॉपर्टी, यानी कि थर्मोडायनामिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने जब एडिटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी तो उसमें हमने कहा था कि जब सिस्टम एक से ज़्यादा हो तो सब सिस्टम्स की जो एंट्रोपी है उनको हम ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास टोटल एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम जो है वो आ जाती है। तो अब यहाँ पर हम स्टैटिस्टिकल में देखते हैं कि एडिटिव प्रॉपर्टी जो है वो किस तरह से रिलेट करती है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में, इसको एक्सप्लेन करेंगे। लेट डेल्टा गामा इज वॉल्यूम इन फेज स्पेस PQ and it composed of two volumes of delta gamma 1 and delta gamma 2। के जो हमारे पास thermodynamics में थी वो entropy थी S, ठीक है, ds over dq, dq over dt। लेकिन जो हमारे पास statistical में है वो हमारे पास log delta gamma होती है, इसलिए यहाँ पर अगर हमारे पास जो delta gamma है वो denote करता है volume of phase space को। phase space हमारे पास सिक्स डायमेंशनल स्पेस जिसमें थ्री पोजीशन कोऑर्डिनेट्स होंगे और थ्री मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो अगर दो फेज स्पेस आपके पास दो सिस्टम है डेल्टा गामा वन एंड डेल्टा गामा टू, तो हम जानते हैं कि जो डेल्टा गामा है वो इक्वल है मोमेंटम मल्टीप्लाई बाय लेंथ इनटू पावर 3n, यानी कि जो डेल्टा गामा है वो मोमेंटम और पोजीशन कोऑर्डिनेट्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लेट्स सपोज n इज इक्वल टू n1 प्लस n2, तो ये हम इसको मेंशन कर दें कि हमारे पास n1 क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन डेल्टा गामा वन, कि अगर आपके पास जो स्पेस स्पेस है वो डेल्टा गामा वन है तो उसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उनको हम एन वन से डिनोट करेंगे, प्लस नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन डेल्टा गामा टू, कि जो आपके पास स्पेस स्पेस डेल्टा गामा टू है उसमें जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उनको हम एन टू से डिनोट करते हैं। तो अब फार्मूले में हम देखें कि डेल्टा गामा इज इक्वल टू दो आपके पास स्पेस स्पेस में डेल्टा गामा वन और डेल्टा गामा टू, तो आपके पास क्या आ जाएगा p मोमेंटम के लिए मल्टीप्लाई बाय l 3n। अब 3n की जगह पे क्या आ जाएगा n1 प्लस n2, के दो आपके पास सिस्टम है डेल्टा गामा वन फेस स्पेस और डेल्टा गामा टू फेस स्पेस, तो आपके पास क्या आ जाएगा 3 इंटू एन वन प्लस n2। अब इनको सेपरेट अगर कर लें तो ये प्रोडक्ट में है तो आप क्या लिखेंगे p मल्टीप्लाई बाय l 3n1 मल्टीप्लाई बाय p मल्टीप्लाई बाय l 3n2। तो इस तरह से ये जो प्रोडक्ट आ जाएगा दो वॉल्यूम्स का इन फेस स्पेस में, डेल्टा गामा इज इक्वल टू डेल्टा गामा वन मल्टीप्लाई बाय डेल्टा गामा टू, कि जो आपके पास सिंपल जो होती है एंट्रोपी थर्मोडायनामिक्स में उसमें आप क्या करते हैं ऐड करते हैं उनको, जो सिस्टम जितने नंबर ऑफ सिस्टम्स होंगे उनकी एंट्रोपी को ऐड करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपके पास होगी वहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे डेल्टा गामा को। इसको नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन की मदद से भी जो है वो एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से हम जो है वो फेस स्पेस में जो है वो वॉल्यूम होता है उसका हम प्रोडक्ट लेते हैं, लेकिन कार्टेशियन स्पेस में यानी कि जो आपके पास कोऑर्डिनेट की स्पेस होती है एक्स वाई जी में वहाँ पर हम क्या करते हैं उसको ऐड करते हैं, दो सिस्टम के वॉल्यूम को ऐड करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम दो सिस्टम्स के वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करते हैं। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, अगर लॉग हम दोनों साइड्स पर ले लें तो लॉग डेल्टा गामा इज इक्वल टू लॉग डेल्टा गामा वन, इस तरह से ये जो हमारे पास होगी लॉग डेल्टा गामा ये हमारे पास क्या आ जाएगी एंट्रोपी इन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में। तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में हमारे पास जो एंट्रोपी होती है वो लॉग डेल्टा गामा वन यानी कि डेल्टा गामा के इक्वल होती है मल्टीप्लाई बाय लॉग डेल्टा गामा टू, अगर दो की है तो इनका प्रोडक्ट आ जाएगा। लेकिन जो हमारे पास होती है एडिटिव प्रॉपर्टी इन थर्मोडायनामिक्स वो हमारे पास क्या होती है एस इज इक्वल टू एस वन प्लस एस टू,
अब ये जो हमारे पास इंट्रोपी है, जो वॉल्यूम का प्रोडक्ट है, स्टैटिस्टिकल में हम इसको इस सिंबल से भी इंट्रोपी को शो करते हैं। थर्मोडायनामिक्स में सिंपल एस से डिनोट करते हैं, लेकिन स्टैटिस्टिकल में वैसे मैंने एस लिखा है, लेकिन इस सिंबल से भी इसको डिनोट करते हैं। तो ये आपके पास है एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंट्रोपी इन थर्मोडायनामिक्स। एंड फर्दर हम इसको देखेंगे एक क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन हमारे पास ये है, इन कार्टेशियन स्पेस टोटल वॉल्यूम इज अ सम ऑफ इंडिविजुअल वॉल्यूम, बट इन फेस स्पेस इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल वॉल्यूम, जस्टिफाई योर आंसर। अब कहते हैं कि अगर आपके पास कार्टेशियन स्पेस है, यानी कि कोऑर्डिनेट की स्पेस है, तो उसमें वॉल्यूम जो है वो हमारे पास सम होता है दो इंडिविजुअल वॉल्यूम्स का, ठीक है। बट इन फेस स्पेस में हमारे पास क्या होता है, वो प्रोडक्ट होता है इंडिविजुअल वॉल्यूम का। अभी जैसे हमने लास्ट में देखा है कि आपके पास जो फेस स्पेस में वॉल्यूम है डेल्टा गामा वन मल्टीप्लाई बाय डेल्टा गामा टू हो रहा है, लेकिन जो आपके पास कार्टेशियन यानी कि कोऑर्डिनेट स्पेस होती है उसमें आपके पास क्या होता है कि डेल्टा गामा एस वन प्लस एस टू आप इंट्रोपी को जो है वो एड अप करते हैं दोनों सिस्टम की वॉल्यूम को। तो कोऑर्डिनेट स्पेस में हम क्या करते हैं, टू वॉल्यूम्स अगर हमारे पास उनको हम कंबाइन करते हैं देन वी एड देम, तो फिर हम उनको ऐड कर देते हैं। बट इन फेस स्पेस इफ़ टू स्पेसेस आर कंबाइन, अगर हम दो स्पेसेस को अगर कंबाइन करते हैं दे फॉर्म अ न्यू स्पेस ऑफ सिक्स एंड डायमेंशन, तो एक न्यू स्पेस बनाती हैं जिसमें सिक्स एंड डायमेंशन होती हैं। तो अब इसमें हमारे पास जो वॉल्यूम्स का प्रोडक्ट होता है वो मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, ऑफ टू गेट कंबाइन वॉल्यूम्स, मल्टीप्लाई होकर हमें वो दोनों का कंबाइन वॉल्यूम्स देता है। सपोज कार्टेशियन इज अ 3D स्पेस एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अ नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 3D स्पेस, कि अगर आपके पास कोऑर्डिनेट स्पेस है, थ्री डायमेंशनल स्पेस है, वो इंडिपेंडेंट है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर जो थ्री डायमेंशनल स्पेस में है। वो किस तरह से इंडिपेंडेंट है कि यानी कि लेट्स सपोज, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा शो कर दूँ कि अगर आपके पास ये कार्टेशियन स्पेस है थ्री डायमेंशनल, यानी कि ये आपके पास एक्स डायरेक्शन है, इसी तरह से ये आपके पास वाई डायरेक्शन है, ये आपके पास जो है वो जी डायरेक्शन है। तो ये आपके पास यहाँ पर जो वॉल्यूम होंगे आप उनको एड अप कर लेंगे, यानी कि दोनों को जमा कर लेंगे, तो आपके पास टोटल वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा इसको फाइन कर लो, ठीक है। ठीक है, ये आपके पास कार्टेशियन स्पेस में है। बट इन गामा स्पेस में आपके पास क्या होगा कि जो आपके पास सिस्टम के वॉल्यूम्स होंगे वो मल्टीप्लाई होंगे। अब यहाँ पे हम प्रूफ करते हैं इसको। देयरफॉर इफ वी हैव टू वॉल्यूम दैट इज v1 इज इक्वल टू l क्यूब एंड v2 इज इक्वल टू l क्यूब। l क्यूब का मतलब क्या है कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। आपके पास जो कोऑर्डिनेट स्पेस होती है वहाँ पे आपके पास जो वॉल्यूम होता है वो प्रोडक्ट होता है आपके पास लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ एंड हाइट। तो यहाँ पे v1 आपके पास l क्यूब है एंड इसी तरह से आपके पास जो v2 है सेकंड वॉल्यूम है वो l क्यूब है। देन टू गेट टोटल वॉल्यूम वी मस्ट हैव टू ऐड देम। अगर हमें टोटल वॉल्यूम चाहिए तो हम दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, बिकॉज वी कैन नॉट एक्सटेंड द डायमेंशन मोर देन 3। कि यहाँ पर हम 3 से ज़्यादा जो है वो डायमेंशन को एक्सटेंड नहीं कर सकते, इसलिए हम उनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। बट इफ़ अब अगर आपके पास आ जाती है फेस स्पेस, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, v इज इक्वल टू v1, वो सिक्स एंड डायमेंशनल है, ठीक है। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, इनको प्रोडक्ट करते हैं, यानी कि v1 मल्टीप्लाई बाय v2 करते हैं, तो आपके पास क्या आ जाता है, l क्यूब मल्टीप्लाई बाय l क्यूब विच इज इक्वल टू l6 इज नॉट इक्वल टू l3 विच इज़ नॉट अलाउड। ये हमारे पास अलाउड नहीं है कि आप इनको इस तरह से मल्टीप्लाई करके आप l की पावर 6 बना दें, आप डायमेंशन को एक्सीड कर दें, तो ये हमारे पास अलाउड नहीं है। बट इफ अगर हम दोनों वॉल्यूम्स को ऐड करते हैं, v इज इक्वल टू v1 प्लस v2, तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा, l क्यूब प्लस l क्यूब विच इज इक्वल टू 2l क्यूब, दिस इज अलाउड। तो इस तरह से हम उसको अलाउ कर सकते हैं कि जो आपके पास फेस स्पेस है उनके वॉल्यूम्स को ऐड करके कि 2l क्यूब ये आपके पास आ जाएगी। नो इन फेस स्पेस में हम देखते हैं देयर आर सिक्स एन डायमेंशनल स्पेस वेयर n इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन फेस स्पेस। Dimensions are directly proportional to the number of particles.
कि अगर आपके पास फेस स्पेस है, सिक्स डायमेंशनल फेस स्पेस है एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उसमें फेस स्पेस में, तो जो डायमेंशन उसकी होंगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी नंबर ऑफ पार्टिकल्स के। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा देखते हैं कि आपके पास इसमें प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम्स का कैसे आता है आपके पास, कि ये आपके पास एक फेस स्पेस है, फेस स्पेस में आपके पास क्या होता है, ठीक है, ये आपके पास पी मोमेंटम के कोऑर्डिनेट्स होंगे, यहाँ पे आपके पास लेंथ के कोऑर्डिनेट्स पी की, तो ये आपके पास क्या है, डेल्टा गैमा वन, ठीक है, डेल्टा गैमा वन, सॉरी इसको और रिफाइन कर लें, तो आपके पास ये वन वाली स्पेस है डेल्टा गैमा वन। इसी तरह से ये जो आपके पास सेकंड आएगी पी और क्यू में, ये आपके पास सेकंड डेल्टा गैमा टू की फेस स्पेस में वॉल्यूम होगा, ठीक है, यहाँ पे जस्ट मैं टू लिख लेती हूँ, डेल्टा गैमा टू है इसका मतलब, ये वन और सेकंड, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो आपके पास टोटल फेस स्पेस का वॉल्यूम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास अब आप देखें, इफ़ एन इज इक्वल टू वन देन फेस स्पेस फॉर सिंगल पार्टिकल इज 6d, तो फिर हमारे पास फेस स्पेस क्या होगी सिंगल पार्टिकल के लिए, 6d, सिक्स डायमेंशन होगी अगर आपके पास n इज इक्वल टू वन होगा। फेस स्पेस में हमें पता है वो सिक्स डायमेंशन है, इसलिए हम सिंगल एलिमेंट है आपके पास, सिंगल पार्टिकल है, तो हम इसको कहेंगे कि ये सिक्स डायमेंशन। फॉर n इज इक्वल टू टू, अगर आपके पास टू स्टेट्स हैं, टू सिस्टम, तो देन आपके पास डायमेंशन क्या आ जाएंगे, 6 × 2, ठीक है, यानी कि हम वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, ठीक है, 6 डायमेंशन है, 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट होगी फेस स्पेस वॉल्यूम का, सेटिस्फाइंग कंडीशन ऑफ 6n। तो ये हमें क्या कर रही है, 6 डायमेंशनल की सेटिस्फाई कर रही है कंडीशन को। नो वॉल्यूम इन फेस स्पेस हम किस तरह से डिनोट करते हैं, डेल्टा ये गैमा एन वन विच हैज 6n1 डायमेंशन, हमें पता है कि अगर आपके पास ये डेल्टा गैमा वन वाली स्पेस स्पेस है उसको अगर एन वन से हमने डिनोट किया है, एन को नंबर ऑफ पार्टिकल्स को, तो वो 6n1 डायमेंशन होंगी। इसी तरह से डेल्टा गैमा टू है आपके पास, तो विच है 6n2 डायमेंशन, तो इसी तरह से उसके पास कितनी डायमेंशन होंगी, 6n2 डायमेंशन होंगी। तो आपके पास डेल्टा गैमा जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, जो आपके पास गैमा है, गैमा एन इज इक्वल टू गैमा एन वन प्लस गैमा एन टू। तो यहाँ पर हमारे पास द पार्टिकल्स आर एन इज ग्रेटर देन एन वन एंड एन इज ग्रेटर देन एन टू। ये ग्रेटर देन किस तरह से है कि हमें पता है, हमने स्टार्ट में क्या लिया था कि एन आपके पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। अगर इसकी एक एग्जांपल यहाँ पे, अगर आपके पास एक सिस्टम है एन, इसको आप टू में डिवाइड कर लें एन वन प्लस एन टू, तो आपके पास दो सिस्टम बन जाएंगे, तो दोनों का जो एडअप करेंगे एन वन प्लस एन टू इक्वल आ जाएगा एन के। तो अब आपके पास अगर सेपरेटली हम देखें तो एन वन इज लेस देन एन, ठीक है, इसी तरह से एन टू इज लेस देन एन, तो आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो ग्रेटर होंगे एन वन से, इसी तरह से एन इज ग्रेटर देन एन टू, बाय डायमेंशंस आर एन वन एंड एन टू विच आर नॉट अलाउड, लेकिन इन दोनों की डायमेंशंस को हमारे पास जो हैं वो अलाउड नहीं है, यानी कि इनकी डायमेंशंस को हम इस तरह से सेपरेटली नहीं लिख सकते इन फेस स्पेस। फेस स्पेस में हम क्या करते हैं कि दोनों को एडअप नहीं करते, दोनों वॉल्यूम्स को एडअप नहीं करते, यानी कि आपके पास गैमा है डेल्टा गैमा, तो डेल्टा गैमा वन प्लस डेल्टा गैमा टू हम जो है वो नहीं कर सकते, तो इसलिए हम फिर यहाँ पर क्या करते हैं कि इनका प्रोडक्ट लेते हैं, वॉल्यूम्स का प्रोडक्ट लेते हैं, कि इफ़ गैमा एन इज इक्वल टू गैमा एन वन मल्टीप्लाई बाई गैमा एन टू, कि अगर आपके पास गैमा एन वन है मल्टीप्लाई बाई हम करेंगे गैमा एन टू से, तो फिर आपके पास ये क्या आ जाएगा, गैमा एन वन 6n1 मल्टीप्लाई बाई गैमा एन टू 6n2। अब यहाँ पर गैमा एन वन है 6n, हमने इसलिए लिखा है 3n क्यों नहीं लिखा, कि आपके पास जो गैमा होता है वो प्रोडक्ट होता है मोमेंटम मल्टीप्लाई बाय पोजीशन कोऑर्डिनेट्स, इन थ्री आपके पास मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स होंगे और थ्री आपके पास पोजीशन कोऑर्डिनेट्स होंगे, इसलिए आप उन दोनों का प्रोडक्ट जो होता है वो 3n लिखते हैं। तो गैमा जो है वो होल को शो कर रहा है मोमेंटम प्लस पोजीशन कोऑर्डिनेट, तो इसलिए आप यहाँ पर 6n लिखेंगे, यानी कि ये टोटल आपके पास फेस स्पेस का वॉल्यूम आ जाएगा जो इक्वल है मोमेंटम प्लस पोजीशन कोऑर्डिनेट। इसलिए गैमा एन वन आपके पास एक सिस्टम है उसका वॉल्यूम है, फेस स्पेस में वो आपके पास आ जाएगा 6n1 मल्टीप्लाई बाय गैमा एन टू इन
raised to power 6 and 2, तो ये आपके पास इसके इक्वल आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम इन दोनों को, हमें पता है कि प्रोडक्ट रूल्स में हम जब मल्टीप्लाई करते हैं दो प्रोडक्ट्स को, तो उनके जो बेसिस होती हैं और जो पावर्स होती हैं वो दोनों क्या हो जाती हैं, एडअप हो जाती हैं। तो इस तरह से ही आपके पास प्रोडक्ट जो है वो ऐड हो जाएंगे बेसिस में और आपके पास पावर में। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, गैमा एन वन प्लस एन टू की पावर 6 एन वन प्लस एन टू। तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं, जब हमारे पास प्रोडक्ट में होते हैं तो इसकी जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाती हैं, और इसी तरह से उनकी जो बेसिस होती हैं वो भी ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं गैमा एन वन प्लस एन टू हमारे पास किसके इक्वल है, एन के। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं गैमा एन इंटू रेज टू पावर 6 एन। तो सिंस एन इज इक्वल टू एन वन प्लस एन टू, तो यहाँ पर आप देखें कि अगर आपके पास एन जो है वो वन होगा तो गैमा आपके पास एक सिस्टम में होगी, एक फेस स्पेस में सिस्टम में होगा आपके पास, तो 6n बन जाएगा। अगर आपके पास टू सिस्टम की फेस स्पेस, दो गैमा आप ले रहे हैं, गैमा वन और गैमा टू दो सिस्टम्स की हैं, तो आपके पास यहाँ पे n जो है वो 2 हो जाएगा, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 2 आ जाएगा आपके पास। इसी तरह से गैमा 1 प्लस 2 आ जाएगा। इसी तरह से अगर आपके पास 3 की हैं तो 6 मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा। तो इस तरह से n जो है वो वेरी करेगा, लेकिन यहाँ पे आप डायमेंशंस को एक्सीड नहीं कर सकते, लेकिन उनकी पावर्स को जो है वो इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपके पास दो फेस स्पेस के सिस्टम्स हैं, गैमा वन एंड गैमा टू, तो उनको आप इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, विच इज़ अलाउड। तो इस तरह से हमारे पास ये हैं जो है फेस स्पेस में जो है वो सिस्टम जो है वो अलाउड होते हैं, उनकी डायमेंशन जो है वो अलाउड होती हैं, इनको ये डायमेंशन को हम एक्सीड नहीं कर सकते। देयर इज़ अनदर वे टू प्रूव अबव स्टेटमेंट इज़ टू यूज़ द कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। इस हम स्टेट को जो है वो एक और तरीके से भी प्रूव कर सकते हैं, किस तरह से, कि हम कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी को यूज़ करते हुए। अब जो कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी है उसको हम जो है वो यूज़ करके नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल होगा इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर वो हमारा प्रोबेबिलिटी पे ही होगा। तो जब हम इसको फर्दर यूज़ करेंगे और प्रॉब्लम्स में ये देखेंगे, तो इसको हम इंशाल्लाह देखेंगे किस तरह से हम दूसरे जो है सिस्टम में प्रोबेबिलिटी से हम इसको पढ़ सकते हैं। तो उसमें हमारे पास क्या होगा, टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी, यानी कि आपके पास, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं और इंडिविजुअल जो आपके पास सिस्टम्स होते हैं उनके आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो ऐड कर लेते हैं। इसी तरह से जो आपके पास इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज़ होंगी उनका प्रोडक्ट को आप उनका प्रोडक्ट ले लेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। बट दिस इज़ एन एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, ये एक एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है। तो ये हमारे पास दो प्रॉपर्टीज इसकी हमने पढ़ ली, एक क्वेश्चन से रिलेट करके कि किस तरह से हम इसको जो है, जो आपके पास सेकंड प्रॉपर्टी उसकी आ जाती है कि दो वादन सिस्टम्स के हैं उनको हम एडअप करते हैं इन कार्टेशियन स्पेस में, यानी कि आपके पास थ्री डायमेंशन स्पेस है तो उसमें हम वॉल्यूम्स को ऐड करते हैं, लेकिन अगर आपके पास सिक्स एंड डायमेंशनल है यानी कि फेस स्पेस है तो उसमें हम उसका प्रोडक्ट लेते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो तीसरा था इसकी प्रॉपर्टी एंट्रोपी की, वो थी नेचुरल। लास्ट में हमारे पास है नेचुरल प्रोसेस। जो हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी थी एंट्रोपी की, वो हमारे पास नेचुरल प्रोसेस था। फर्स्ट दो जो थी एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल और सेकेंड हमारे पास थी एडिटिव प्रॉपर्टी। तो नेचुरल प्रोसेस में हम देखते हैं कि जो हमारे पास सिस्टम की एंट्रोपी होती है, चेंज इन एंट्रोपी, वो हमेशा क्या होती है, इंक्रीज़ करती है या फिर इक्वल टू जीरो रहती है, डिक्रीज नहीं करती। यानी कि एंट्रोपी हम डिसऑर्डरनेस को कहते हैं ना, तो जब भी किसी सिस्टम में डिसऑर्डरनेस होती है, यानी कि आपके पास एक सिस्टम ऑर्डर में है, ठीक है, आपने अरेंज किया एक ऑर्डर में, लेकिन अगर उसमें कोई और जो है वो थिंग्स आप उसमें ऐड करेंगे तो उसका ऑर्डर जो है वो पहले से डिस्टर्ब हो जाएगा। तो जब डिस्टर्ब होगा तो उसकी डिसऑर्डरनेस जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगी। तो इस तरह से वो सिस्टम की जो एंट्रोपी होगी वो इंक्रीज़ करेगी, डिक्रीज़ नहीं करेगी। तो नेचुरल प्रोसेस की एक और हमने एग्जांपल जो है प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस की थी, आइस एंड वाटर की, कि किस तरह से हम देखते हैं कि आइस और वाटर जब दोनों की एंट्रोपी को हम मेजर करते हैं और ऐड करते हैं एडिटिव प्रॉपर्टीज़ में, तो उसकी हम देखते हैं कि जो सिस्टम की होल एंट्रोपी है, चेंज इन एंट्रोपी, वो क्या करती है, इंक्रीज़ कर जाती है। तो आप इसके लिए प्रीवियस लेक्चर जो है वो भी रिव्यू कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम इसको इंटरप्रेट करते हैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि उसमें किस तरह से नेचुरल प्रोसेस में हम देखते हैं कि एंट्रोपी जो है वो सिस्टम की इंक्रीज़ करती है। तो द मोस्ट प्रोबेबल स्टेट ऑफ अ सिस्टम इज़ एग्जांपल एवरेज, कि यहाँ पर हम कहते हैं कि जो सिस्टम की जो स्टेट है, मोस्ट प्रोबेबल स्टेट जो होगी सिस्टम की, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी होगी सिस्टम की कि उसमें एंट्रोपी जो है वो मैक्सिमम है, वो उसकी एग्जांपल एवरेज होगी। एग्जांपल एवरेज का मतलब ये है हमारे पास कि अगर मैंने, लेट्स सपोज, लास्ट टाइम मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी पेन्स की, कि अगर 25 स्टूडेंट्स हैं और 50 पेन्स जो हैं
वो उनमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं सिस्टम स्टूडेंट्स में, तो आप टू टू डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो वो सिस्टम जो है एक ऑर्डर में आ जाएगा, एक सीक्वेंस में आ जाएगा कि सब स्टूडेंट्स के पास क्या है, टू टू पेन्स होंगे तो आपके पास जो एंट्रॉपी होगी सिस्टम की वो इक्वल टू ज़ीरो यहाँ पे, यानी कि एवरेज आ जाएगी उसकी सिस्टम की। तो जो एग्जांपल एवरेज होती है वो भी हम जैसे मैथमेटिक्स में एवरेज लेते हैं कि मार्क्स जो है आपके इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के मार्क्स डिवाइडेड बाई टोटल मार्क्स, तो आपके पास जो है वो एवरेज आ जाती है मार्क्स की। इसी तरह से जो एग्जांपल एवरेज होती है, यानी कि यहाँ पर अगर टू हमारे पास आया है, पेन्स अगर 50 हैं, 25 स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, तो आपके पास क्या आया है, टू। तो टू हमारे पास क्या है, उसकी एग्जांपल एवरेज होगी, यानी कि उस सिस्टम की एवरेज होगी। तो उसको हम यहाँ पर कहेंगे कि वो मैक्सिमम उस सिस्टम की एंट्रॉपी होगी, यानी कि जब सिस्टम टू टू डिवाइड कर दिया ना तो वो सिस्टम एक इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, यानी कि हर एक स्टूडेंट्स के पास क्या होंगे, टू टू पेन्स होंगे, तो वो एक सिस्टम एक इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा। अगर आप इसको डिस्ट्रीब्यूट जो है वो इस तरह से करें, किसी के पास 3 पेन्स हैं, किसी के पास 2 पेन्स हैं, किसी के पास 1 पेन है, तो फिर वो सिस्टम क्या होगा, तो 2 पेन्स और 3 पेन्स इस तरह से, किसी के पास 4, किसी के पास कोई नहीं, तो वो जो सिस्टम की इक्विलिब्रियम स्टेट है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। इस तरह से एंट्रोपी जो है सिस्टम की और इंक्रीज कर जाएगी। तो इसलिए जो एग्जांपल एवरेज होती है, यानी कि हम एक सीक्वेंस से जो है वो हर एक में जो है उसकी जो माइक्रो स्टेट्स होती है वो सेम हो सबकी, लेकिन माइक्रो स्टेट जो है वो थोड़ी सी डिफरेंस हो सकती है, इसलिए उसको हम एग्जांपल एवरेज कहते हैं। उसका हमने फार्मूला भी लास्ट टाइम पढ़ा था कि एग्जांपल एवरेज में हम क्या करते हैं, समीशन लेते हैं, सम करते हैं इंडिविजुअल सिस्टम्स का डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ सिस्टम्स पे। तो वो आपके पास अगर पोजीशन निकालनी है तो आप एक्स से डिनोट करते हैं कि एक्स आई ऊपर आ जाएगा, इंडिविजुअल के तमाम ऐड कर लेंगे, डिवाइडेड बाय आप टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स या टोटल नंबर ऑफ सिस्टम जो है एन से डिनोट कर दें तो एन पे डिवाइड कर देंगे, तो वो आपके पास एग्जांपल एवरेज आ जाता है। तो इसी तरह से द सिस्टम विल स्पेंड मच ऑफ इट्स टाइम इन दिस स्टेट। तो इस तरह से जो सिस्टम है वो ज़्यादा टाइम जो है वो इस स्टेट में स्पेंड करता है, यानी कि अगर इक्विलिब्रियम में होगा, तमाम स्टूडेंट में टू टू हैं, तो वो तमाम जो है इक्विलिब्रियम स्टेट में होंगे, तो इस तरह से सिस्टम जो है वो ज़्यादा जो है इस स्टेट में टाइम जो है वो स्पेंड करता है। द एग्जांपल एवरेज इज़ द इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ द सिस्टम। जैसे कि अभी मैंने आपको समझाया कि एग्जांपल एवरेज क्या होगी, इक्विलिब्रियम स्टेट होगी सिस्टम की, एंड हैंस द सिस्टम ट्राइज टू रिस्टोर इट्स इक्विलिब्रियम स्टेट। अगर उस सिस्टम में डिसऑर्डरनेस हो जाए तो वो ट्राई करेगा कि उस सिस्टम में जो है वो रिस्टोर कर ले, यानी कि आप देखिए एक रस्सी है, जब आप उसको खींचते हैं और छोड़ेंगे तो वो वापस अपनी पोजिशन में जाने की करता है। तो इसी तरह से ये जो सिस्टम होगा वो ट्राई करेगा कि वो अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट में ही एग्जिस्ट करे, इक्विलिब्रियम स्टेट में ज़्यादा टाइम स्पेंड करे। देयरफॉर इसलिए एंट्रॉपी इज मैक्सिमम एट एग्जांपल एवरेज, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो एंट्रॉपी है वो मैक्सिमम होगी जब हमारे पास एग्जांपल एवरेज होगी। एंड द सिस्टम ट्राइंग टू रिस्टोर इक्विलिब्रियम कंडीशन, और सिस्टम जो है वो ट्राई करेगा कि अपनी इक्विलिब्रियम कंडीशन को जो है वो रिस्टोर करे, मींस दैट इट्स एंट्रॉपी इज इंक्रीजिंग, यानी कि वो इस तरह से मैक्सिमम होगी। वैसे जो है वो आपके जो एंट्रॉपी जो है वो डिसऑर्डरनेस जितनी ज़्यादा होगी वो उतनी ही ज़्यादा होगी। तो ये हमारी थी 3 प्रॉपर्टीज़ एंट्रॉपी की, जिसको हमने आज इंटरप्रिएट किया स्टैटिस्टिकल एंड थर्मोडायनामिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें हमने हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी उसकी थी कि हमने उसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल जो है उसको डिफाइन, जिसमें हमने देखा कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, यानी कि एंट्रॉपी जो है थर्मोडायनामिक्स में हमारे पास क्या होती है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल होती है, यानी कि dS इज इक्वल टू dQ ओवर dT, हम उसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल लेते हैं। इसी तरह से जो हमारे पास स्टैटिस्टिकल में होता है डेल्टा गैमा, वो भी उसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है। सेकंड हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी है, जिसमें हम देखते हैं कि एडिटिव प्रॉपर्टी में जो वॉल्यूम होता है आपका एडिशन स्पेस में, यानी कि 3 डायमेंशनल स्पेस में, उसको आप दो सिस्टम्स के वॉल्यूम्स को ऐड करते हैं, लेकिन जो आपके पास फेस स्पेस होती है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में, उसमें दो जो वॉल्यूम होते हैं आप उनका प्रोडक्ट लेते हैं। इसको हमने फर्दर प्रूव किया एक क्वेश्चन के हेल्प से, ठीक है। तो उसमें आपने देखा कि किस तरह से हम उसको जो डायमेंशन होती हैं उनको हम एक्सीड नहीं कर सकते, तो उसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं दो सिस्टम्स के वॉल्यूम को इन फेस स्पेस में। तो लास्ट हमारे पास था नेचुरल प्रोसेस, जिसमें हमने देखा कि जो चेंज इन एंट्रोपी होती है सिस्टम की वो ऑलवेज इंक्रीज़ करती है या इक्वल टू ज़ीरो रहती है, डिक्रीज़ नहीं करती। एंड अल्लाह हाफिज़।